नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में जो है मदर ऑफ थाउजेंड प्लांट की केयर के बारे में बताने वाला हूँ कि आप उस किस तरीके से उसको आपको ग्रो करना है, क्या उसको जो है पॉटिंग सोयल मिक्स जो आपको यहाँ पे यूज करना है, कितना पॉट साइज है वो यहाँ पे आपको लेना है, पूरी जो केयर है आज की वीडियो में यहाँ पे रहने वाली है इस प्लांट की। अगर दोस्त फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, जो प्लांट है ये मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट है और ये मैं कहूँगा कि एक सेकुलेंट टाइप का प्लांट है। और अगर इसकी मैं बात करूँ, देखिए इसकी पॉट रिक्वायरमेंट की, देखिए इस प्लांट को जो है बड़े अधिक पॉट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं रहती है। आप इसका जो पॉट साइज है इस तरह से देखिए, क्या 4 से जो 8 इंच के पॉट में इसको बड़े इजली यहाँ पे ग्रो किया जा सकता है। और अगर इसकी मैं बात करूँ देखिए, यहाँ पे जो पॉट है आपको किस प्रकार का यहाँ पे लेना है, तो देखिए पॉट यहाँ पे प्लास्टिक का हो या फिर मिट्टी का, आप कोई भी जो इसके लिए पॉट का यहाँ पे इस्तेमाल में आप ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए मिट्टी जो है इसकी आपको वेल्ड्रेन यहाँ पे तैयार करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे जो सॉइल आपको इसकी रेडी करनी है तो वो आपको यहाँ पे क्या होगा कि 50-50 का रेशियो यहाँ पे आपको रखना है। तो 50% जो है आपको यहाँ पे प्लेन गार्डन सॉइल रखनी है और 50% जो है यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव सैंड इसमें यानी कि रिवर सैंड इसमें आपको मिक्स करके इसका जो पॉटिंग मिक्स है वो यहाँ पे रेडी करना है। देखिए आप इसमें अगर फर्टिलाइजर कोई ऐड करना चाहते हैं तो इसमें जो है आप इस तरीके से मैं कहूँगा कि वर्मी कंपोस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें जो अगर नहीं भी आप मिक्स करते हैं तो इस प्लांट को जो है अधिक कहूँगा कि फर्टिलाइजर की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं रहती है। और देखिए फ्रेंड्स को इस पर मैं बात करूँ, देखिए अगर आप इसकी प्रूनिंग वगैरह करते हैं तो देखिए इसमें क्या होगा कि प्रूनिंग करने बाद क्या है कि इसकी इस तरह से जो स्टेम है वो थोड़ी थिक हो जाती है और ये अपनी साइड ब्रांचेस भी इस तरह से ग्रोथ करता है। देखिए इसमें जो है मदर ऑफ थाउजेंड में बहुत सारी वराइटीज आती है, तो कोई भी वरायटी जो है आप ग्रो कर सकते हैं, सारी जो है सकुलेंट टाइप की रहती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि इस प्लांट को आपको प्लेस कहाँ पे करना है। तो देखिए प्लेस के लिए मैं आपको यहाँ पे आपको बता दूँ, देखिए अगर आप चाहो तो इसे इंडोर में भी रख सकते हैं और चाहो तो आप इसे सनलाइट में भी रख सकते हैं। तो देखिए सर, अगर आप इसको सनलाइट में रखते हैं तो मैं कहूँगा कि जो प्लांट है उसकी जो ग्रोइंग ग्रोथ है वो स्टेप थोड़ी स्लो हो यहाँ पे हो जाती है। और इसको आपको सनलाइट में अगर प्लेस भी करना है तो आप इसको कोशिश कीजिए जो 3 से 4 घंटे की सनलाइट है वो यहाँ पे आप इसको दे सके। देखिए 3 से 4 घंटे की अगर सनलाइट आप इसको देते हैं तो इसकी जो ग्रोथ है वो भी यहाँ पे स्लो होगी और इसकी जो पत्तियाँ हैं आप देख सकते हैं इस तरह से ग्रीन यहाँ पे नहीं रहती हैं, इसकी जो पत्तियों की किनारी है वो इस तरह से आपको रेड कलर की है वो यहाँ पे दिखाई देगी। और जो प्लांट की हाइट है वो भी आपको कम नजर आएगी और जो पत्तियों का साइज है वो भी आपको कम नजर आएगा। तो इस तरह से आप सनलाइट में इसको रख सकते हैं। अगर आप इसको इंडोर में ग्रो करते हैं तो देखिए इंडोर में जो है इसकी मैं कहूँगा इस तरीके से ग्रोथ है ये काफ़ी तेजी से करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरा प्लांट है ये सबसे पहले मेरे सनलाइट में रखा हुआ था, लेकिन जब मैंने अपने गार्डन की सफाई की तो इसको जो है मैंने इंडोर में ये रखा गया और उसके बाद इसकी जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं कितनी तेजी से इसने ग्रोथ करी है और ये थोड़ा लैगी टाइप का बन गया है। तो अगर आप इसको इंडोर में ग्रो करते हैं तो इंडोर में ग्रो करने वाले देखिए जो है थोड़ा लैगी टाइप का यहाँ पे आपका प्लांट हो जाएगा, इसकी जो पत्तियों का साइज है वो भी आपको इंक्रीज दिखाई देगा। और इंडोर में देखिए जो मैं कहूँगा बड़ी तेजी से यहाँ पे ग्रोथ करता है और जो पत्तियों का कलर है वो भी पूरा आपको ग्रीन यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आप इसे इंडोर में रखना चाहते हैं तो देखिए कोई ऐसी जगह पे आप इसे प्लेस कीजिए जहाँ पे ब्राइट सनलाइट, ब्राइट जो लाइट है उसको मिल सके। अब बात करते हैं देखिए फ्रेंड्स इसके मैं कहूँ कि फर्टिलाइजर के बारे में। तो देखिए प्लांट को वैसे तो जो है अधिक फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अगर आप इसमें फर्टिलाइजर ऐड करना चाहते हैं तो इसमें जो है आप वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। और देखिए इसमें जो अगर लिक्विड फर्टिलाइजर आपको ऐड करना है तो मैं कहूँगा इस तरह से जैसे आप वर्मी कंपोस्ट का जो है वो पानी बना के वो आप 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए रख के जो है आप इसका पानी है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इस प्लांट को इंडोर में रखा है तो देखिए मैं कहूँगा कि जो इसको फर्टिलाइजर है वो आपको कम यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप इसको आउटडोर में रखते हैं तो फर्टिलाइजर आपको इसमें थोड़ी मैं कहूँगा कि जो है इंडोर के मुकाबले थोड़ी अधिक आप इसमें रख सकते हैं। बाकी इसमें जो फर्टिलाइजर है आपको मैं कहूँगा कि इतना फर्टिलाइजर आपको ऐड नहीं करना है, साल में आप जो है इसमें दो बार जो है इसमें फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं। एक तो जो है देखिए आपको जो है मार्च के समय देखिए इसमें जो फर्टिलाइजर आप ऐड कर सकते हैं, या फिर जो है दूसरे सेकंड टाइम जिसमें फर्टिलाइजर है वो मैं कहूँगा इस तरह से रेनिंग सीजन के टाइम पर रहता है तो उस टाइम पर जो आप इसमें थोड़ा फर्टिलाइजर वो ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए दोस्तों इसके मैं कहूँगी वाटरिंग के बारे में। तो देखिए वाटरिंग जो है अगर आप इसको प्लांट इंडोर में रखा हुआ है तो या फिर जो है आउटडोर में रखा, देखिए आउटडोर में तो ये है कि अगर प्लांट जो है आपका सन के कारण जो है मैं सॉइल है थोड़ी तो ड्राई यहाँ पे हो जाती है तो इसमें जो है वाटर रेगुलर तौर पे या फिर जो है मिट्टी ड्राई होने पर जो आप इसमें वापस से ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने इंडोर में रखा है तो इसमें जो वाटरिंग है आपको देखिए आपको इंडोर में रखिए या फिर जो मैं कहूँगा स्लाइड में रखिए तो जो इसमें जो वाटरिंग है आप एक तरीका अपना लीजिए। आपको क्या करना है देखिए इसमें जो आप फर्स्ट टाइम इसमें वाटरिंग देते हैं तो आप देखिए पूरी तरीके से वाटरिंग आप इसमें दीजिए, पानी है जो इसके ड्रेन होल से भी बाहर निकल जाए। और उसके बाद देखिए जब इसमें आपको पानी दोबारा से ऐड करना है तभी इसमें ऐड करना है ताकि जब इसकी पूरी सॉइल है वो इस तरह से ड्राई यहाँ पे हो जाए तब इसमें जो है पानी आप दोबारा से ऐड कीजिए। क्योंकि इसको कहूँगा कि पानी की आवश्यकता इतनी नहीं रहती है क्योंकि सकुलेंट टाइप वैरायटी का प्लांट है, इसकी जो स्टेम्स और लीव्स है इसमें ऑलरेडी ही जो पानी है
वो मौजूद यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे जो सर्वाइव है वो यहाँ पे अच्छे से कर लेता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसमें पेस्ट वगैरह अटैक की, तो देखिए इस प्लांट पे मैं कहूँगा पेस्ट अटैक वगैरह बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो अगर आप पेस्ट अटैक वगैरह देखते हैं तो देखिए आपको जो दूसरे प्लांट्स हैं उन पर जब लगा होगा तो साथ में जो है इस पर भी लग जाता है। तो आप चाहो तो देखिए इस पर मैं कहूँ कि नीम ऑयल वगैरह स्प्रे से जो है आप इसको स्प्रे स्प्रे ले सकते हैं, या फिर जो है देखिए कपड़े की सहायता से या फिर हाथ की सहायता से जो है आप इसको इस पर जो इसकी लीव्स है वो आप इसको क्लीन कर दीजिए, तो भी ये पेस्ट मुक्त यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं देखिए फ्रेंड्स इसके में प्रोपोगेशन की, तो प्रोपोगेशन इसके पर ड्रिल से यहाँ पे इसकी हो जाती है। आप इसकी जो कटिंग्स है वो लेके आप देखिए सॉइल में आप इसको दबा देंगे, जैसे कि मनी प्लांट के आप लगाते हैं, तो इसकी जो प्रोपोगेशन है वो इसलिए से यहाँ पे हो जाती है। और अगर इसकी जो कटिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो साल में देखिए आप कभी इसकी जो कटिंग्स है वो लगा सकते हैं, इसकी कटिंग बड़ी इजली से यहाँ पे लग जाती है। अगर इसकी कटिंग के एक और मेथड, अगर आप इसकी जो कटिंग है पहले वाटर में ग्रो करके जो है बाद में इसके सॉइल में शिफ्ट कर सकते हैं। और देखिए इस पे मदर ऑफ थाउजेंड प्लांट में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसपे क्या होंगे इस तरह से जो लीव्स रहती है, देखिए उस पर जो इस तरह से छोटे छोटे बेबीज वो निकलते हैं, तो आप उसको भी देखिए इस तरह से सॉइल में रख के ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि आपने पत्थर चट्टा के प्लांट में देखे हैं। तो वैसे ही इस प्लांट का भी प्रोपगेशन इस तरीके से किया जाता है। और देखिए दोस्तों अगर इसमें अगर प्लांट में मैं कहूँगा कि थोड़ी दिक्कत इस वजह से रहती है, अगर इस प्लांट में आप जब ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो ज़्यादा ओवर वाटरिंग कारण क्या है, इसके जो नीचे के लीव्स हैं वो आपको जो है सूखी नज़र आएंगी, ड्राई नज़र आएंगी देती हैं और नीचे गिर जाती हैं, जिसका इंडिकेशन रहता है कि आप इस प्लांट में जो है ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। और ये थोड़ा आपका जो है प्लांट इस तरफ से झुका झुका से दिखाई देता है, तो आप इसमें जो ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग से क्या है, इसके रूट्स में है देखिए रूट रॉट हो जाता है, इसके रूट्स में जो है फंगस वगैरह लग जाता है, जिसके कारण जो आपका प्लांट ये खराब होने की नौबत पे आ जाता है। और देखिए इसमें मैं कहूँगा कि सॉइल में जो है आप थोड़ा सा महीने भर में जो आप इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर जो है वो आप इस पानी में मिला के जो है इसमें डाल सकते हैं। तो ये इसकी जो छोटी सी केयर थी, इसके कारण आप इस प्लांट को इजली से यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, इसकी केयर कर सकते हैं, और ये देखने में बहुत ही सुंदर यहाँ पे लगता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे द्वारा की जो छोटी सी जानकारी है वो पसंद आई होगी, आपको मेरे द्वारा की छोटी सी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।